कल यहां तक चरित हुआ था, मीराबाई जी को भूत महल में निवास दिया गया। जब डोला से उतरी तो देवी पूजन के लिए कहा गया। महात्मा लोग कहते हैं राजपूत लोग शराब और मांस खाते थे, देवी के मंदिर में बकरे वकरे सब। तो भक्त को हिंसा से प्रेम नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो गिरधर लाल की अनन्य थी। उन्होंने अपना सिर देवी के आगे नहीं झुकाया और ये कहा कि ये तो सिर गिरधर लाल के चरणों में बिक चुका है। अब वो सिर बार बार नहीं बिकता है, एक जगह बिक गया बिक गया। इस पर राजमाता राणा सांगा की स्त्री बहुत कुपित भई और उन्होंने राणा सांगा जी से क्रोध में लिखा, उनकी सांसें गरम गरम चल रही थी। डोला से उतरते मान इसने चित्तौड़ की इज्जत गिरा दिया। राज आज्ञा, माता देवी का अपमान, हमारा अपमान। तो राणा जी ने मीरा को मारने के लिए, ये प्रथम प्रयास था, भूत महल में उनको भेज दिया गया, जहाँ कोई रहता नहीं था। अगर कोई सो गया तो सवेरे मृत पाया जाता था। मीराबाई को जब वहाँ पधराया गया तो बहुत प्रसन्न भई। एकांतवासा झंझट न झांसा, क्योंकि उन्होंने, हमने पद आपको सुनाया गा करके, कि उन्होंने कहा था ना तो सांगो परिवारो मुने लगे मनोकाल। राजवंश मुकुट पहन पहन के, तलवार पहन पहन के बनठन के घूमते हैं, ये हमको काल की तरह लगते हैं। भगवत विमुख का मुख भी देखना व्यर्थ है। तो वो प्रसन्न भई और जब उस महल में अकेले किमान बंद करके नृत्य शुरू किया, गान, तो सब भूतों का कल्याण हो गया और वे राजा लोग थे, भोगी होते थे। भोग का परिणाम नारकीयता, प्रेत योनि उनको मिलती थी। उन सब का उद्धार हो गया और मीरा को प्रणाम करके बोले, पुत्री तुमने हमारा उद्धार कर दिया,
तुम्हारे आगमन से हम लोग तर गए। नंद जी बोली, उदा बाई गहे किन चेत भाभी। भाभी साहब, वो राजस्थान की बोली में साहब को सा कह देते हैं। भाभी साहब, साहब माने सा। गहे किन चेत, आप अपने चित्त में सावधानी क्यों नहीं लाते हैं, चेती क्यों नहीं है। मीरा जी ने कहा, क्या है? बोले, साधुन सो हेत में कलंक लगे भारिये। साधुओं से संपर्क रखने में बहुत बड़ा कलंक लगता है। समाज ये नहीं जानता है कि ये भक्ति हो रही है। लोग ये विश्वास नहीं कर सकते कि कोई स्त्री पुरुषों में बैठ के भक्ति भी कर सकती है, या कोई पुरुष स्त्रियों में बैठ के भक्ति कर सकता है। ऐसा समाज में लोग नहीं सोचते हैं। केवल वे कलंक की ही बात सोचते हैं। विशेष करके आपके बारे में हमारे जो पिता हैं राणा सांगा, देशपति, सारे भारत के सम्राट समझो, उस समय राणा सांगा ने दो बार दिल्ली हराई थी इब्राहिम लोदी को, इसलिए वो भारत के सम्राट ही थे। मीरा का अपराध किया, बाबर से हार भई, उसके बाद चित्तौड़ का गौरव गिर गया। लेकिन उस समय वे देशपति थे। उदाबाई बोली, भाभी जी, भाई साहब, भाभी साहब, राणा देशपति हैं, उनके नाम के आगे लज्जा की बात आती है कि भारत का सम्राट, उसकी पुत्र वधु साधुओं में नाचती है। ये बात फैल रही है। दूसरी बात, बाप कुल रीति जात। तुम्हारे पिताजी भी राठौर वंश के प्रतापी राजा हैं। इसलिए तुम्हारे पितृवंश की भी लज्जा, मान, प्रतिष्ठा का नाश होता है। ऐने जो ससुराल है उसकी भी इज्जत गई और पीहर की भी इज्जत गई। मान लीजिए बात, बेगी संग निर्वारिये। भाभी साहब, साधु संग आप छोड़ दीजिए, मैं आपसे अर्ज करने आई हूँ। इससे सारे संसार में आपका पीहर, आपका ससुराल कलंकित हो रहा है।
मीरा जी ने कहा लागे प्राण साथ संत, पावत अनंत सुख, जाको दुख होए ताको नीके करी टारिए। सुन के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो करी पान रंग चढ़ो यो निहारिए। मीराबाई जी ने ये उत्तर दिया लागे प्राण साथ संत, मेरे प्राण साधुओं के साथ ही रहते हैं, संत अगर चले गए तो मेरा प्राण भी चला जाएगा। एक ऐसा उत्तर दिया, इससे ज्यादा कठोर और कोई उत्तर नहीं हो सकता था। पावत अनंत सुख, और मैं संतों के साथ मुझे सुख मिलता है, वो अनंत है। अनंत सुख से मतलब कि लोगों को तो विषय सुख मिलता है, विषय में कोई सुख है ही नहीं। सुख तो संतों के साथ है, जहां भगवान की चर्चा होती है, कृष्ण गुणगान होता है। सत्संग मेरा प्राण है, प्राण जीते जी कैसे जा सकता है? प्राण चला गया तो आदमी मर गया। इसी को उन्होंने पद में गा करके कहा है कि बरजी में काहू नहीं रहूं, बरजी में काहू नहीं रहूं, कहा था भाभी साहब आप चेतो,
सावधान हो जाओ। तो मीरा कह रही हैं तुम सावधान होकर सुन जाओ जी नंद साहब, मैं तो सावधान हूँ, तुम भी सावधान होकर सुनो। नाभा जी ने पहले लिख दिया है निरंकुश अति निडर थी, कोई राजा महाराजा राजाज्ञा कुछ नहीं, बड़ी निर्भय वाणी है। सुनो री सखी तुम चेतन है के, मन की बात कहूं बरजी मैं काहू की नहीं रहूं, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं, मेरा जीवन का लक्ष्य पहले ही बन चुका है। ये तो मेरी माँ कुसुमबाई मर रही थी, उस बोली मेरी एक इच्छा पूरी कर दे, भोग में मत पड़ना, भोजराज का दूसरा ब्याह करा देना। लेकिन उसके कहने से मैंने ये बंधन ऊपरी मन से स्वीकार कर लिया। मेरा लक्ष्य तो यही है, साधु संगत कर हरि सुख लीजै, ब्याह वाह मेरा भोग लक्ष्य नहीं है। माँ की अंतिम इच्छा थी, मेरा लक्ष्य तो है जग सो दूर रहूं, मैं काहू की नहीं रहूं, मर जी मैं काहू की नहीं।